नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास है Redmi Note 9 तो आपके लिए काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर Redmi Note 9 में जो इंडियन डिवाइस है उसमें MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन है वो रिलीज हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें ए अपडेट के बारे में तो गाइस आपको ढेर सारे नए नए फीचर्स है इस अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ के जो अपडेट की साइज है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, करीब करीब आपको 700 MB के आसपास है वो देखने को मिल जाती है। अपडेट वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको MIUI 12.5.2.0 का एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको गाइस लेटेस्ट यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज अपडेट है वो देखने को मिल जाता है, जो कि वो है अक्टूबर 2021 का। अगर गाइस आपके पास है Redmi Note 9 तो मेक श्योर गाइस आप हमारे चैनल टेकर्स को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे। गाइस अगर आपको यहां पर कोई भी अपडेट डाउनलोड करना है तो चलिए यहां पर मैं बता ही देता हूं किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो गाइस अगेन आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं Redmi Note 9 जो अपडेट वर्जन है वो है 12.5.2.0 विद Android 11। तो गाइस यहां पर जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजीली यहां पर अपनी जो फाइल है वहां पर आ जा सकते हैं। तो गाइस यहां पर आपको बिंदास डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अगर आप MI पायलट टेस्ट में सिलेक्टेड नहीं है तो आप डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि आपको यहां पर जो डेटा है वो काफ़ी वेस्ट चला जाएगा। गाइस यहां पर हम स्क्रॉल डाउन करके आपको बता ही देते हैं जो अपडेट है वो क्या है और कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो गाइस यहां पर हमारी जो वेबसाइट है हमने सब कुछ अवेलेबल आपके लिए करवा दिया है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी अपडेट आपको डाउनलोड करना है सभी की लिंक हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है, तो बिंदास आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद गाइस आपको एक दो दिन में एक और वीडियो मिल जाएगा। अगर आप MI पायलट टेस्ट में सिलेक्टेड नहीं है तो किस तरह से आप जो फाइल की लिंक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो करेंटली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एनहांस एडिशन का अपडेट है तो उसकी OTF फाइल एज वेल एज रिकवरी फाइल दोनों की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो इजीली इस दोनों फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइस में MIUI 12.5.0 का 1 अपडेट है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा जाके चेक कर लेना है कि आपकी डिवाइस में कौन सा वर्जन रन करता है। तो गाइज यहाँ पर आपको आके चेक कर लेना है कि आपकी डिवाइस में अगर 12.5.1.0 का अपडेट रन करता है तो इस OTF फाइल की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा अपडेट नहीं है तो आप रिकवरी फाइल को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है तो सिंपल सा गाइज आपको जाना है सेटिंग, अबाउट फोन, यहाँ पर MIUI वर्जन, और गाइज आपको 3 डॉट पर टैप करना है तो आपको यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो 5 टाइम्स टैप करिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा चूज अपडेट पैकेज का, और बॉटम में आपको एडिशनल लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा वहां पर जाके आपको अपनी जो फाइल है डाउनलोड फोल्डर में से सिलेक्ट कर लेना है और आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। करंटली गाइस हमारे पास Redmi Note 9 नहीं है तो मैं आपको शो करके नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आप MI पायलट टेस्ट में सिलेक्टेड नहीं है तो आपको एरर आ सकती है, कांट वेरीफाई अपडेट, तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर 1 वीक तक जो अपडेट का वेट है वो करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है गाइस MI पायलट टेस्टर के लिए ही अवेलेबल है, ये रैंडम अपडेट आता है, सबसे पहले कुछ लिमिटेड यूजर को मिलता है, उसके बाद गाइस कुछ और ऐसे करके धीरे धीरे अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। तो आई होप अगर आपके पास Redmi Note 9 है तो आपको चेक करते रहना है आपका अपडेट आया या नहीं। अगर अपडेट मिल चुका है तो मुझे कमेंट करके बता दे, अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दे कि आपको अपडेट मिला या नहीं। तो हमको उम्मीद है आप लोगों को आज का जो Redmi Note 9 का वीडियो है वो पसंद आया होगा, और गाइस अगर इस तरह का आपको पोको UI की थीम चाहिए अपने डिवाइस के लिए तो उसका भी जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।